स्थायित्व इंटरडिसिप्लिनरी साइंस अप्लाइड केमिस्ट्री रे स्मार्ट सामग्री अभ्युदय पर चतुर्थ अंतर्जातीय सम्मेलन आज किट विश्वविद्यालय परिसर उद्घाटित हो जाइछि। इंडियन फोटोबायोलॉजी सोसाइटी हीरक जयंती उत्सव अंश भाव में यह सम्मेलन आयोजन करनिदरी चलवाक सम्मेलन में नाइजर आइजर कोलकाता आइजर भोपाल आइजर ब्रह्मपुर सीएसआईआर आईडब्ल्यूएमटी सीडीआरआई जादवपुर यूनिवर्सिटी उत्कल विश्वविद्यालय ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली आईआईटी रूपर आईआईटी भुवनेश्वर आईआईटी कानपुर आदि अनुष्ठान विशिष्ट गवेषक शिक्षावित माने जोग देउछन्ति। रसायन विज्ञान शिक्षा एवं गवेषणा उपर आलोचना हेबो। एथरे की टू किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत जोगदे रसायन अधिक गवेषणा उपर मत रखिथिले। इंडियन फोटो बायोलॉजी सोसाइटी पक्षर की टू किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को डायमंड जुबली पुरस्कार प्रदान कर बीआरसी पूर्वतन वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर जेपी मित्तल को जीवनव्यापी सफलता पुरस्कार प्रदान कर ये प्रोग्राम बहुत ही जॉइंटली सजेस्ट किया गया है बिटवीन इंडियन फोटोबायोलॉजी सोसाइटी एंड द किट प्रोग्राम एंड इसमें दो तरह की डिस्कशन बहुत ज़्यादा होंगे। नए नए मटेरियल्स जो हमारे भारतवर्ष के देश के लिए अच्छा है और सिमिलरली जो हमारी फोटोबायोलॉजी जो हम शक्ति सन से मिलती है वो किस तरह से हमारे पास आती है, सूरज की गर्मी हमारे ऊपर पड़ती है, सूरज की लाइट हमारे यहाँ आती है, उससे फिर हम फोटोसिंथेसिस होता है, उससे फिर खाना बनता है, सब कुछ वो सब बातों का डिस्कशन यहाँ पे होना ज़रूरी है। सो क्यूट यूनिवर्सिटी और आई एम एम जो कोलाबोरेसन रोजालीन और बामा तर जो एनर्जी इयर एवं बाहर बहुत लोग आनी एंड कॉमन थीम हूँ बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिसेक स्मार्ट मटेरियल। सो मोर विश्वास दैट जो कन्फरेन्स दिनिया कन्फरेन्स बहुत नुआ आईडिया बाहर यही प्रोग्रामा आमर गोटे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च रोटे एग्जाम्पल ये भारत विभिन्न विभिन्न प्रांतर से रिसर्च मध्यम परस्पर सहित कोलाबोरेसन करेटेरियाल रिसर्च को आग को बढ़े नवार यही कन्फरेन्स मूल उद्देश्य।